महापौर सीताराम जायसवाल की अध्यक्षता में गोलघर के व्यापारियों की बैठक जीडीए सभागार में संपन्न हुई। बैठक में गोलघर में नवनिर्मित मल्टी लेवल पार्किंग के संचालन के संबंध में चर्चा की गई तथा गोलघर के सुंदरीकरण पर भी विचार विमर्श किया गया। बैठक में जीडीए उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह, जीडीए सचिव के अलावा व्यापारी नेता प्रमोद टेकरीवाल, सत्यप्रकाश सिंह मुन्ना सहित गोलघर के अन्य व्यापारी मौजूद रहे। बैठक में गोलघर के मल्टी लेवल पार्किंग में वाहनों को खड़ा करने तथा उनके पार्किंग के शुल्क निर्धारण पर भी चर्चा की गई, जिसके संबंध में महापौर सीताराम जायसवाल ने बताया कि बहुत जल्दी मल्टी लेवल पार्किंग में वाहनों को खड़ा करने के लिए शुल्क निर्धारित कर दिया जाएगा, जिससे लोगों को जाम से मुक्ति मिल सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, पहला माल जो है सारा माल था, उन्होंने भी किया, वहाँ भी दुकानदारों ने किया, उसे उनको जो है सेल कर रही कि हमारे वहाँ परचेजिंग कीजिए, जो पार्किंग का आपका जो कूपन है उसे दिखाइए और आपका जो है फ्री कर जाएगी और उसे आप भी सेल मिल जाएगी। उसके बाद आप प्रशासन का क्या होता है ना, पुलिस का क्या होता है कि मजबूरी होती है, क्या उनकी जगह चिन्हित कर लेंगे तभी हटा पाएंगे। तो सर अभी तो अभी चिन्हित ही नहीं हुआ है। जैसे एक बार साहब ने बताया 10,000 रुपये का चाहिए, 1,000 वो कूपन वहाँ दिखाया, रसीद दिखाया और उनसे 30 रुपया तो कैसे तो मतलब ये है कि अपन पार्क को चार दे जगह नहीं है, तो क्या लगे ये तो जाम अतिक्रमण बना हुआ है सर। और ये विगत 20 साल से है, नहीं लेंगे बहुत से लोग आते हैं, खुद देख लीजिएगा कि गोलघर की स्थिति क्या है। आज गोलघर की दुकानदारी जो पहले 100% होती थी, आज 50% पे आ गई है और यही स्थिति रही तो 25% पे आ जाएगा। रेडियो विशेष आप जब से गोरखपुर में आए हैं, दिशा निर्देशक में जो भी दायित्व दिया जाता है ये बहुत ही अच्छे ढंग से निभा रहे हैं। पहले जीडीए की बहुत सारी शिकायतें आ रही थी लेकिन आज एक भी शिकायत नहीं मिली और धूल चाटती महिलाओं को इन्होंने रेगुलेट किया है और वही नहीं किया है, साथ ही साथ उनको घर तक बात करके उनके मामलों को निपटाया है, अपने जीडीए की आय बढ़ाई है, जो पैसा खर्च कर रहे हैं आपके इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। अभी हम लोग सभी लोग यहाँ पर हमारे ऋषि साहब के नेतृत्व पर हम लोग बैठे हैं, हमारे सचिव महोदय भी हैं, चीफ इंजीनियर भी हैं और हमारे सभी सम्मानित व्यापारी चंद सूचना के पर आप लोग आए हैं और जीडीए ऋषि साहब का ये आग्रह है कि हम कोई भी काम करें तो सबकी सहमति उसमें ली जाए, उसी के तहत एक मीटिंग बुलाई गई थी। विषय के पास व्यापारियों की एक बैठक बुलाई गई है, इसका मुख्य उद्देश्य था कि गोलघर जो हार्ट ऑफ द सिटी है इसको अतिक्रमण मुक्त किया जाए और जो गोलघर में जलकल के अंदर मल्टी स्टोरी पार्किंग बनी है उसको व्यवस्थित किया जाए। यहाँ पर मेन मुद्दा था कि उसमें क्या शुल्क लगाया जाए, इस पर व्यापारियों और अधिकारियों के बीच में कुछ सहमति भी नहीं है, वो पेपर में कल जारी कर दिया जाएगा और सभी व्यापारियों से अनुरोध किया गया है कि अपने दुकान के सामने ग्राहकों की गाड़ी न लगाने दें, अपनी गाड़ी भी रखाएं, जीडीए मिनिमम शुल्क लेगा और उसकी व्यवस्था गाड़ी की उसमें करेगा कि गाड़ियाँ सुरक्षित रहेगी, किसी तरह की उसकी क्षति नहीं होगी, चोरी नहीं होगी, इस तरह से हम लोगों ने
तो सुंदरीकरण पे भी बात हुआ है, गोलघर के सुंदरीकरण को लेकर भी कुछ चर्चा हुई है। गोलघर के सुंदरीकरण के लिए एक कलर में विशेष साहब ने सुझाव दिया है कि वो एक कलर कर दिया जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा, खूबसूरत लगेगा। उस पर अभी सहमति पहले बनी थी लेकिन इस पर चर्चा आज नहीं हुई है, हम लोग चर्चा फिर करेंगे।